एवरी वन वेलकम टू मैरिड इन ओवरसीज आज हम बात करेंगे पोस्ट स्टडी वर्क राइट की पी एस डब्ल्यू जैसी पी एस डब्ल्यू का नाम आता है ऑस्ट्रेलिया टॉप प्रायोरिटी स्टडी डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडीज करते हैं साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क राइट के लिए देखते हैं सो so, अगर बच्चा सेंट्रिक है पोस्ट स्टडी वर्क राइट के लिए सो so ऑस्ट्रेलिया बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है क्यों? क्योंकि बच्चे का बैचलर्स हो या मास्टर्स हो बच्चे को मिनिमम टू टू सिक्स इयर्स का वर्क पोस्ट स्टडी वर्क राइट देता है ऑस्ट्रेलिया पोस्ट स्टडी वर्क राइट होता क्या है पोस्ट स्टडी वर्क राइट एक ऐसा टेन्योर होता है जिसमें स्टूडेंट फुल टाइम जॉब कर सकता है एज एन एम्प्लॉई द कंडीशन इज़ दैट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द डिग्री अलग 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 प्रोग्राम्स के लिए और लोकेशन वाइज ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट स्टडी वर्क राइट अलॉट किए जाते हैं पोस्ट स्टडी वर्क राइट के बेनिफिट्स क्या होते हैं पहला बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंटली सिंस स्टूडेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जाते हैं प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर के लिए वहाँ पर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो जो भी बच्चों ने पहले दो साल तीन साल या चार साल जितना भी टेन योर होता है उसमें जो बच्चे स्टडीज़ करते हैं उसको जॉब में एप्लीकेबल करने के लिए पोस्ट स्टडी वर्क राइट एक बेनिफिशियल टाइम पीरियड होता है नेक्स्ट इसके बाद एक बच्चे के पास एक स्टूपिलेटेड टाइम होता है अपार्ट फ्रॉम स्टडी कंट्री में स्टे करने के लिए अगर बच्चा लॉन्ग रन देख रहा है और अगर उसकी कुछ पी आर अपॉर्चुनिटीज के लिए देखता है तब भी पोस्ट स्टडी वर्क राइट एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम है कि वो अपना टेन्योर इस टेन्योर में वो अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगा जो भी स्टूडेंट स्टडी करता है एक दो साल और उसमें जो भी उसकी ट्यूशन फीस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं उसकी लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं उन सब एक्सपेंसेस को अगर स्टूडेंट डेडिकेटेडली पोस्ट स्टडी वर्क राइट में काम करते हैं तो वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने इनिशियली बताया अलग अलग एडुकेशन लेवल और अलग अलग लोकेशन के हिसाब से पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट डिमांडिंग एरियाज इन ऑस्ट्रेलिया सिडनी ब्रिस्बेन मेलबर्न अगर स्टूडेंट सिडनी ब्रिस्बेन मेलबर्न में जाते हैं स्टडीज के लिए बैचलर्स वाले बच्चे जैसे अपने तीन साल का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं वो कंट्री में अगले दो साल तक रह सकते हैं वहीं मास्टर्स वाले बच्चे अगर सिडनी ब्रिस्बेन मेलबर्न में मास्टर्स का दो साल का टेन्योर कंप्लीट करते हैं तो वो अगले तीन साल तक कंट्री में रह सकते हैं पी वाले स्टूडेंट्स हैं सो उनके लिए टेन्योर शुरू होता है मिनिमम फोर ईयर्स का उससे आगे हम चलते हैं रीजनल एरियाज की तरफ सो so, रीजनल एरियाज में पर्थ एडिलेट गोल्ड कोस्ट जिलोन हॉबट क्विंसलैंड इन एरिया में जाते हैं अगर स्टूडेंट्स तो उनको बैचलर्स के लिए थ्री इयर्स का पोस्ट ऑडी वर्क राइट मिलता है और मास्टर्स का पोस्ट ऑडी वर्क राइट होता है चार साल पीएचडी का सेम पाँच साल का उसके अलावा अगर हम और इनर एरिया में जाते हैं जैसे तस्मानिया हो गया हॉबेट हो गया सो यहाँ पर आपको जो मिनिमम पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलता है बैचलर्स के लिए वो मिलता है चार साल का और अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो मास्टर्स में आपका हो जाता है पाँच साल का पोस्टडी वर्क राइट सेम पी के लिए हो जाता है छः साल का स्टडी वर्क राइट अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड सो आप हमें पिंक कर सकते हैं वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इवन यू कैन कम एंड टेक टेक अस पर्सनल काउंसलिंग वी आर गिविंग फ्री काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स टू गेट मोर अपडेट्स ऑन ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस बेल आइकन थैंक यू